वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो हम सीरीज ऑफ फाइव कर रहे हैं जिसमें हर एक वीडियो में हम पांच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो आज मैं लाई हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस के टू मार्कर क्वेश्चन। ये जो टू मार्कर क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। एमसीक्यू में क्या होगा कि क्वेश्चन होगा तो उसके चार ऑप्शंस गिवन होंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सॉल्व करके तुम लोग करेक्ट ऑप्शन देखोगे, या फिर ये टू मार्कर्स में भी आ सकते हैं। तो अगर ये सीरीज फॉलो करते रहो तो बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी, एंड आई एम श्योर इन्हीं क्वेश्चंस के टाइप के ही क्वेश्चंस बोर्ड्स में आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। तो इसमें देखो राइट हैंड साइड पे एक्स वाली टर्म्स हैं। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तीन मेथड्स होते हैं, एक तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स, एक होमोजीनियस और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करते हैं। टू मार्कर्स में होमोजीनियस आने का चांस तो कम ही है क्योंकि होमोजीनियस के काफ़ी लंबे क्वेश्चंस होते हैं, तो मोस्टली इसमें सेपरेटिंग वेरिएबल्स या इंटीग्रेटिंग फैक्टर के होंगे, बट मोस्टली टू मार्कर्स सेपरेटिंग वेरिएबल्स में से ही होते हैं। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इज 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। हाफ एंगल फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कॉज एक्स एंड 1 प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज होता है जो कि याद रखना है। ये कॉज 2x के फॉर्मूला से डराइव होते हैं, बट इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह ही याद रखना है। यहाँ पे सारी x वाली टर्म्स हैं तो हम dx को उस साइड ले जाएंगे, तो बेसिकली वी आर सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो ये हो जाएगा dy वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स dx। दोनों साइड इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ पे तो y हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 sin² x बाई टू अपॉन 2 cos² x बाई टू dx। 2 एंड 2 कट जाएगा, सो दिस बिकम्स इंटीग्रल ऑफ टैन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब देखो टैन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल तो होता नहीं है, उसको हमेशा सेक स्क्वायर में ही चेंज करना पड़ता है, तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू -1 डी एक्स। सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो होगा टैन एक्स बाई टू अपॉन हाफ आएगा, क्योंकि एक्स का कॉफिशेंट इज हाफ, तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो भी एक्स का कॉफिशेंट है वो डिनोमिनेटर में आता है, और एक्स का 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। सी जो है वो जनरली एक्स वाली साइड लगा दिया करो, तो वाई इज इक्वल टू 2 tan x बाय टू, क्योंकि हाफ जब ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी इज द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई, डी वाई वाली टर्म को मैं इस साइड रख रही हूँ और इस टर्म को मैं दूसरी साइड लेके जा रही हूँ, माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई डी वाई, मतलब यहाँ पे सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई है, टैन वाई को उस साइड ले लिया, और इधर हो जाएगा माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रल लेंगे। जब भी हम टर्म्स को शिफ्ट करते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशंस में, जैसे हम टैन वाई को उस साइड लेके गए, तो माइनस साइन को कभी शिफ्ट नहीं करना, नहीं तो आंसर्स में गड़बड़ आ सकती है। तो बेसिकली ये दोनों इंटीग्रल्स जो होंगे सब्स्टिट्यूशन से होंगे। टैन वाई को टी पुट कर लो तो सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज डी टी। तो ये हो गया डी टी अपॉन टी राइट हैंड साइड पे। अब देखो टी नहीं पुट करना क्योंकि टी हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो इसको टैन एक्स को टी पुट यू पुट कर लो, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी यू। सो दिस बिकम्स माइनस डी यू अपॉन यू प्लस इंटीग्रल लॉग, वो भी आएगा कांस्टेंट, चलो बाद में लगाते हैं। ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया लॉग टी इज इक्वल टू माइनस लॉग यू। अगर देखो सारी टर्म्स लॉग की आ रही हैं तो कांस्टेंट को भी लॉग लगा दिया करो, तो ये हो जाएगा लॉग सी।
अब लॉग टी प्लस लॉग यू इज इक्वल टू लॉग सी हो गया. लॉग टी की वैल्यू इज लॉग टैन वाई प्लस लॉग यू इज लॉग टैन एक्स इज इक्वल टू लॉग सी. लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है लॉग एम इंटू एन, तो ये हो जाएगा लॉग टैन एक्स टैन वाई इज इक्वल टू लॉग सी. जब हम दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, तो दिस बिकम्स टैन एक्स टैन वाई इज इक्वल टू सी, जो कि इसका आंसर है. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज ए, वाई इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे देखो कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज ए, दोनों साइड कॉस इनवर्स ले लो. तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस इनवर्स कॉस लोगे वो तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए. तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स को उस साइड ले जाओ और इंटीग्रल ले लो. अब देखो कॉस इनवर्स ए तो कॉन्स्टेंट है, तो डी वाई एक्स का इंटीग्रल होगा. जब हम इंटीग्रल लेंगे वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स का इंटीग्रल इज एक्स प्लस सी. नेम इट इक्वेशन वन. अब y इज वन एक्स इज जीरो. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जब हमारा प्लस सी की फॉर्म में आंसर आता है उसको हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन. पर जब ये हम y इज इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो वो बन जाता है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन. पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, y की और x की वैल्यू फाइनल आंसर में पुट करके c की वैल्यू निकालते हैं, फिर c की वैल्यू को 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे. तो 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू जीरो प्लस सी. ये टर्म तो जीरो बन गई तो सी आ गया 1. अब हम ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस 1. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1 को उस साइड ले जाओ, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए, एक्स को भी उस साइड ले जाओ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए. दोनों साइड कॉस ले लो तो कॉस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए. तो ये होगा इसका आंसर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है, इवन थर्ड क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है. ये सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट बोर्ड्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं. जो सेकंड हमने किया था ना सेक्स स्क्वायर एक्स वाला, वो भी काफ़ी बार आ चुका है. तो ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आया है. इसमें भी हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है. डिफरेंशियल इक्वेशन इज लॉग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0. तो log dy by dx is equal to 3x plus 4y given है. log को कैसे हटाएं? अब देखो राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं log e raised to power 3x plus 4y. कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि जैसे log e raised power n है तो वो n आगे आ जाएगा ना, तो n log e बन जाता है. log e की वैल्यू तो 1 होती है तो बेसिकली वही रहेगा. तो हम इसको मतलब 3x प्लस 4y को ऐसे लिख सकते हैं. अब दोनों साइड log है वो हट जाएगा जब हम दोनों साइड एंटी log लेंगे. तो टेकिंग एंटी log dy by dx इज इक्वल टू e raised to power 3x plus 4y. तो dy by dx हम यहाँ पे e raised to power 3x into e raised to power 4y लिख सकते हैं. सेपरेटिंग वेरिएबल्स करेंगे, e raised to power 4y को उस साइड ले जाओ और e 3x dx को इस साइड ले आओ. तो ये इंटीग्रल हो गया e raised to power minus 4y dy और यहाँ पे e raised to power 3x dx. e raised to power minus 4y का इंटीग्रल होगा minus 4y अपॉन माइनस 4 आएगा, क्योंकि ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही होता है. बट ई रेस टू पार 2x हो तो ई रेस टू पार 2x अपॉन 2 होता है, तो कांस्टेंट नीचे आ जाएगा. और यहाँ पे भी ई 3x अपॉन 3 प्लस सी. नेम इट इक्वेशन 1. अब हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे. तो जब यहाँ पे y 0 आएगा, ई रेस टू पार 0 इज 1, तो ये हो गया
माइनस 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ई रेज टू पावर 0 इज 1, 1/3 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू माइनस 7/12। तो ये वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे यूजिंग इन 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 4y अपॉन 4, इसको मैं उस साइड लेके जा रही हूँ, ई 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 7/12। सब साइड से ना माइनस साइन है, ये सारे माइनस साइन है, ये सब हम हटा देते हैं, अपॉन 4 प्लस ई 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7/12। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3e माइनस 4y प्लस 4e 3x इज इक्वल टू 7, ये 12 एंड 12 कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर है 4e 3x प्लस 3e रेज टू पावर माइनस 4y, 7 को चाहे उस साइड रखो या इस साइड ले आओ, इज इक्वल टू 0। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करके करवा रही हूँ तो क्वेश्चन को टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बस 2 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy by dx प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 0, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो MCQ में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेपरेटिंग वेरिएबल्स करेंगे, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इसके नीचे ले आएंगे और यहाँ पे dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये रूट का मतलब है ना, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग अलग ही है। तो अब ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो 1 dx अपॉन इंटीग्रल रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी, तो साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए जो कि क्विकली रिवाइज हो जाएंगे, तो प्लीज़ कीप ऑन फॉलोइंग द सीरीज, अगर बोर्ड्स में 100% मार्क्स लेना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT भी रिवाइज करते रहो, एग्जाम्पलर भी रिवाइज करो एंड प्लस ये वाले क्वेश्चंस करते जाओ प्रैक्टिस के लिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।